हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों, आज तारीख है 12 अप्रैल 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन इसकी चर्चा हम सबसे लास्ट में करेंगे। वीडियो के चलते चलते अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12 अप्रैल 2020 के पहले क्वेश्चन के साथ। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोरो फ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए किसके साथ हाल ही में करार किया है। तो ये एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? फ्लूजेन, अमेरिका की एक कंपनी है, और अमेरिका की कंपनी फ्लूजेन और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वैक्सीन्स मेडिसन के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोरो फ्लू नाम की वैक्सीन्स तैयार करने का समझौता किया गया है। ये समझौता किसने किया? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना, और इसके CEO हैं कृष्णा ML। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फीफा द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो फीफा द्वारा जो अभी रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का 108वां स्थान है। वहीं पहले स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस है, और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं फीफा जियानानी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की? तो ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने। जब हम बात करते हैं ICICI लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर की, तो वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसके CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। वहीं डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का निधन हाल ही में हो गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और जिम्बाब्वे के पूर्व चयनकर्ता थे? तो इनका नाम है जैकी डू प्रीज। ये एक लेग स्पिनर क्रिकेटर थे और स्वतंत्रता से पहले ये जिम्बाब्वे के लिए खेले थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पद्मश्री से सम्मानित किस गायिका का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस गायिका का नाम है शांति हीरानंद चावला। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है बेगम अख्तर, द स्टोरी ऑफ माई अम्मी। बेगम अख्तर, जिससे शांति हीरानंद चावला ने ठुमरी, दादरा और गज़ल जैसी गायिका गाना सीखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, इसे लॉन्च किया गया था, और वर्ष 2003 में कस्तूरबा गांधी के जन्म के अवसर पर, मतलब कि उनके जन्म दिवस पर, वर्षगांठ पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2003 में। और भारत सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जिस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है उस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजीजेन। डिजीजेन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बैंक की टैगलाइन है पैसों की कद्र, और इसके CEO हैं अजय कंवल। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, RBI ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है? तो RBI ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। RBI के गवर्नर अभी हैं शक्तिकांत दास, ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1935 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
किस समिति ने बैंक बोर्ड यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल आगे बढ़ाने की मंजूरी दी? तो ये समिति है SCC, यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि है हाल ही में किन दो संस्थाओं ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। तो ये कंपनी है, दो संस्था ये जो है ये हैं CSIR NCL और BE। CSIR जो कि एक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है महाराष्ट्र के पुणे में, और कोविड के प्रकोप को कम करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर और ऑक्सीजन संवर्धन की इकाई को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने आपस में हाथ मिलाया है। कौन सी संस्था है? CSIR, NLC और BE। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।